नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिला सिरमौर डीपीई संघ के हाल ही में हुए चुनाव पर अब बवाल हो गया है। जिला सिरमौर डीपीई संघ अब दो भागों में बटा दिखाई दे रहा है। नाहन में 21 जुलाई को हुए डीपीई संघ के चुनाव को पूर्व अध्यक्ष ने जहां असंवैधानिक करार दिया, वहीं अब नवनिर्वाचित गठित की गई संघ की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने नाहन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए पूर्व अध्यक्ष पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा जिला सिरमौर डीपीई संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय कुमार ने, आप खुद ही सुन लीजिए। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। एक एलिगेशन लगाए कि जो ये चुनाव हुए हैं वो असैद्धांतिक हैं, अनैतिक हैं, ऐसा उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा, जबकि वो हमारी मीटिंग में उपस्थित थे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2019 में माजरा में टूर्नामेंट्स के दौरान डीपी एसोसिएशन के चुनाव हुए थे, जिसमें सर्वसम्मति से जो है श्री दिनेश जी को अध्यक्ष चुना गया था और उनका कार्यकाल जो है वो 3 साल का था। 2022 में वो कार्यकारिणी डिजोल्व होनी थी। हमने उन्हें कई बार कहा कि जो है हम कार्यकारिणी बनाना चाह रहे हैं और नए चुनाव करना चाह रहे हैं, पर उन्होंने मना किया। 21 तारीख को नाहन में मीटिंग आयोजित हो रही है, तो वहाँ पे भारी संख्या में हमारे डीपी साथी उपस्थित हुए और डीपी साथियों ने जो है नई कार्यकारिणी बनाने का प्रस्ताव रखा। और नैतिकता की बात यह है कि दिनेश जी को मैं बताना चाहूँगा या बोलना चाहूँगा कि 2019 के बाद ना ही कोई चुनाव हुए और ना ही कहीं पे कोई मीटिंग हुई। नैतिकता के आधार पर दिनेश जी का पद वैसे ही अपने आप उनको छोड़ देना चाहिए था, पर उन्होंने जो है वो पद नहीं छोड़ा। आम सभा ने जब उन्हें बार बार बोला तब तो वो वहाँ से बायकॉट करके मीटिंग का वो और भाग सिंह सर चले गए। उसके बाद जो है हमारी आम सभा ने एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के साथ ही दिनेश जी का सभी ने बायकॉट किया, कोई भी दिनेश जी के साथ खड़ा नहीं हुआ। और इसी कारण जो है सभी साथियों ने आवाज़ उठाई कि नई कार्यकारिणी बननी चाहिए और वो नई कार्यकारिणी हमने पूरे नियम और एहतियात के साथ बनाई है, जिसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है और जो है ये रजिस्टर है और इसमें जो है सारे आप लोग साइन देख सकते हैं कि लगभग जो है 40-45 डीपी इसमें उपस्थित थे। उन्होंने सबने अपना नेम, डेजिग्नेशन, फोन नंबर इसमें लिखा है और जो है कार्यकारिणी जो है पूरे नियम के साथ बनाई गई है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।